हमारी धरती पर मौजूद सांप एक ऐसा जीव है, अगर वो आपके सामने ठंड के मौसम में भी आ जाए तो पसीने छूट जाते हैं। और ऐसा भला क्यों ना हो, क्योंकि ये होते ही इतने जहरीले और खतरनाक हैं कि अपने जहर से ये किसी भी इंसान को ईश्वर के दर्शन करवा दे। लेकिन आज हम फैक्टोसब के इस वीडियो में आपको सांपों की कुछ ऐसी प्रजातियों से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी गिनती दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में होती है, और अगर इन्हें संरक्षण नहीं मिले तो कुछ समय में ही इन सांपों का वजूद धरती से मिट सकता है। तो बिना देर करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के हमारे इस अमेजिंग वीडियो को। टाइगर कीलबैक स्नेक। दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों की इस लिस्ट में हम सबसे पहले आपको जिस सांप से मिलवाने जा रहे हैं उसका नाम सुनकर आपको एक बार तो ये लगेगा कि ये सांपों की वीडियो में टाइगर कहां से आ गया। तो आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ये कोई टाइगर नहीं बल्कि सांप है जिसका नाम टाइगर कीलबैक स्नेक है, और इसका नाम इसके शरीर पर बनी हुई टाइगर जैसी बनावट के कारण पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये सांप जितना दुर्लभ है उससे कहीं ज्यादा जहरीला है इसका जहर, क्योंकि इसके अंदर बेहद ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है जो कि इतना घातक होता है कि अगर किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो महज कुछ ही वक्त में उस इंसान की मौत हो सकती है। यही कारण है कि एंटीवेनम बनने से पहले सांपों के काटने पर मरने वाले इंसानों की 70% जिम्मेदारी इन्हीं सांपों की होती थी। इतना ही नहीं, आप इस बात को जानकर भी हैरान हो जाएंगे, ये सांप जहां उड़कर हमला करने में माहिर है वहीं दूसरी ओर ये सांप अपने आकार को छोटा या बड़ा करने की भी काबिलियत रखते हैं। एमरल्ड ट्रीबोआ। अब जरा इस सांप को देखिए जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों की प्रजाति में से एक है। इन सांपों का रंग पूरी तरह हरा होता है और इनके ऊपर सफेद रंग के स्पॉट्स बने होते हैं, जबकि इनके शरीर का निचला हिस्सा पीले रंग का होता है जो कि इनके लुक को बेहद ही आकर्षक बनाता है। और ये सांप करीब 7 फीट तक की लंबाई के होते हैं। आमतौर पर ब्राजील के वर्षावनों में पाए जाने वाले इन सांपों के जबड़े में दूसरे सांपों की तरह ही दांत मौजूद होते हैं, लेकिन हमें इन सांपों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इन सांपों में जहर नहीं होता है और आज तक के इतिहास में इन सांपों ने किसी भी इंसान को अपना शिकार नहीं बनाया है। लेकिन कोई इंसान इन्हें बेवजह परेशान करने की कोशिश करता है तो ये अपने बचाव में उस इंसान को काटने से भी जरा नहीं पीछे हटते। रेड हेडेड करेट। अब आप जिस सांप को देखने जा रहे हैं उसका नाम है रेड हेडेड करेट, जो आमतौर पर मलेशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी भारत, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। आकार में लगभग 7 फीट की लंबाई वाले इन सांपों को न केवल इनके लाल रंग के सिर की वजह से जाना जाता है अपितु इन सांपों की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में होती है। आपको बता दें कि रेड हेडेड करेट काफी जहरीले होते हैं, लेकिन गनीमत की बात यह है कि ये सांप इंसानी आबादी वाले इलाकों से दूर रहते हैं, जो कि दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों व इंसानों की सेहत के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि इंसान और सांप हमेशा से एक दूसरे के लिए खतरा रहे हैं। और अगर हम बात करें इन सांपों के रंग रूप की तो इनका सिर लाल रंग का होता है और बाकी पूरी बॉडी काली होती है, और इसी के साथ साथ इनके पूरी बॉडी पर नीली या सफेद रंग की लकीरें होती हैं। रेड हेडेड करेट अपने भोजन में छिपकली, मेंढक और कई छोटे मोटे जीवों को खाना पसंद करते हैं। व्हाइट कोबरा। आपने अपनी लाइफ में अनेक सांप देखे होंगे और उनमें से कोबरा को तो जरूर देखा होगा। अब हम आपको जिस व्हाइट कोबरा से मिलवाने जा रहे हैं, यकीन मानिए आपने लाइफ में आज तक ऐसा शायद ही देखा होगा, क्योंकि ये व्हाइट कोबरा कुछ किस्मत वाले लोगों को ही देखने को मिलते हैं। इसके पीछे का सबसे प्रमुख कारण यह है कि ये काफी रेयर होते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि व्हाइट कोबरा किसी दूसरी प्रजाति से नहीं बल्कि ये वही साधारण कोबरा होते हैं जिन्हें आपने
कई बार देखा भी होगा। इन्हें सफेद कलर इनकी खास तरह की हेल्थ कंडीशन के कारण मिलता है, जिसे ल्यूसिज्म या एल्विज्म के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनके जन्म की दरें काफी कम होती हैं और इनमें से कुछ ही ऐसे कोबरा होते हैं जो वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं। यही कारण है कि ये काफी रेयर होते हैं और इन्हें देखने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। वैगनर्स वाइपर। वैगनर्स वाइपर को मोंटीविवेरा वैगनर्स स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमुखतः पूर्वी टर्की और उत्तर पश्चिमी ईरान में पाए जाते हैं और ये सांप पथरीले और घास वाले इलाकों में रहना बेहद पसंद करते हैं। वैगनर्स वाइपर दुनिया भर के दुर्लभ सांपों में से एक माने जाते हैं। यही कारण है कि साल 2002 में इन्हें लुप्त प्रजाति की श्रेणी में डाल दिया गया था। इतना ही नहीं, ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि अगर ये सांप किसी व्यक्ति को काट ले और समय पर इलाज नहीं मिले तो ऐसे में उस इंसान को मौत के घाट भी उतरना पड़ सकता है। लगभग 2.4 से लेकर 3.1 फीट तक की लंबाई वाले ये सांप आमतौर पर पक्षियों, छिपकलियों और उनके अंडों को खाना पसंद करते हैं। राउंड आइसलैंड बोआ। दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में से हम अब जिस सांप से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसका नाम राउंड आइसलैंड बोवा है। ये सांप मुख्य रूप से मलेशिया, राउंड आइसलैंड व फ्लैट आइसलैंड में पाए जाते हैं और ये सांप दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में से एक माने जाते हैं और आज की तारीख में इनकी कुल आबादी करीब 1000 के आसपास होगी। हालांकि ये सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि राउंड आइसलैंड बोवा माहौल के हिसाब से अपने रंग को बदलने में माहिर है। सेंट लूसिया रेसर्स स्नेक। अब हम आपको जिस बेहद ही दुर्लभ सांप से मिलवाने जा रहे हैं उसे सेंट लूसिया रेसर्स स्नेक के नाम से जाना जाता है। हालांकि सेंट लूसिया रेसर्स स्नेक का आधिकारिक नाम इलाइथ्रोरैम्प्रस ऑर्नाटस है और इसे ऑर्नेट ग्राउंड स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो सेंट लूसिया रेसर्स स्नेक की गिनती दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में की जाती है और यही वजह है कि साल 2022 में इनकी आबादी लगभग 20 के आसपास जाकर सिमट चुकी है। कैरेबियन आइलैंड में पाए जाने वाले इन सांपों की लंबाई लगभग 3 फीट के आसपास होती है और ये सांप अपने भोजन में छिपकली को खाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, राउंड आइसलैंड बोवा की तरह सेंट लूसियस रेसर्स स्नेक भी वातावरण के हिसाब से अपने रंग को बदलने की काबिलियत रखते हैं। शॉर्ट नोज्ड सी स्नेक। अब एक नज़र इस सांप को भी देख लीजिए। इसे शॉर्ट नोज सी स्नेक के नाम से जाना जाता है। ये सांप उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटों पर पाए जाते हैं। इन सांपों की खासियत है इनका छोटा सा शरीर और नुकीला चेहरा, लेकिन समुद्र में गर्म पानी और शिकार की वजह से इनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है और यही कारण है कि आज की तारीख में ये सांप लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इन्हें देखा ही नहीं गया है। इलेपिडे परिवार से ताल्लुक रखने वाले शॉर्ट नोज्ड स्नेक मछलियों को अपना शिकार बनाना बेहद ही पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, लगभग 2 फीट वाले इन सांपों का रंग मुख्यतः भूरा होता है और ये समुद्र में लगभग 10 मीटर की गहराई में अपना बसेरा बनाते हैं। ड्रेफ्टिव वाइपर। वाइपर डी प्रजाति से संबंध रखने वाले ड्रेफ्टिव वाइपर नॉर्थ वेस्टर्न आर्मेनिया, सदर्न जॉर्जिया और नॉर्थ ईस्टर्न टर्की में पाए जाते हैं। ये सांप भी कई दूसरे सांपों की प्रजातियों की तरह ही पूरी तरह विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से इन सांपों की गिनती दुनिया के सबसे दुर्लभ सांपों में की जाती है। इतना ही नहीं, इन सांपों की आबादी महज 500 के आसपास ही रह गई है। इन सांपों की लंबाई लगभग 16 इंच तक की होती है और ये सांप आमतौर पर छिपकली, चूहे और टिड्डियों को खाना
काफी पसंद करते हैं और ये सांप हल्के जहरीले भी होते हैं। ये सांप अगर किसी इंसान को काट ले तो उस इंसान को जहर का कोई खास असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सांप के द्वारा काटे गए स्थान पर सूजन और दर्द महसूस हो सकती है। ड्रैगन स्नेक। वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसे सांप से मिलवाने जा रहे हैं जिसे सांप और मगरमच्छ के कॉम्बिनेशन के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रैगन स्नेक की, जिसे कुदरत के द्वारा बनाई गई एक अनोखी रचना कहा जा सकता है। इंडोनेशिया, वर्मा और थाईलैंड में पाए जाने वाले ये सांप काफी रेयर होते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि साल 1960 के बाद ये सांप कुछ ही चुनिंदा लोगों को देखने को मिले हैं। यही कारण है कि कई देशों में इन सांपों के शिकार पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है, क्योंकि ये सांप इस धरती से पूरी तरह गायब होने की कगार पर है। हालांकि इन सांपों की स्किन देखने में मगरमच्छ की स्किन की तरह दिखाई देती है, जिनमें छोटे छोटे कांटे होते हैं। वहीं अगर बात करें इनकी साइज और डाइट की, तो ड्रैगन स्नेक की लंबाई लगभग 24 से 30 इंच के आसपास होती है और ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों, मछलियों और मेंढकों को खाना पसंद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं विदा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। देखते रहिए फैक्टोसब। जय हिंद, जय भारत।